दोस्तों ये मटन नहारी है, ये बटर चिकन है और ये मलाई टिक्का है। ये फ़िश आ गई, देखिए ये लाची फ़िश है। एक तो आप साइज़ देखिए इसका, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तंदूरी चिकन लाजवाब है। क्या बन रहा है? मलाई रोस्टेड। ये रोटी बन रही है। आप बताओ क्या क्या है यहाँ पर? ये नहारी है। नहारी है? हाँ, ये नहारी है, मटन नहारी, मटन टिक्का। ये मटन बोरमा है, ये सारे मटन भेजा है। इसमें क्या है? बिरयानी है। ये दोस्तों इनकी चिकन बिरयानी है, देखिए। बिरयानी बनाना है, बिरयानी बिरयानी चालू है बनना। अभी कितनी देर में बनेगी? ये बनेगी आधे घंटे में। आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। अभी क्या क्या डाला है निकाल के दिखाओ। इसमें डाला मिर्ची, डाला मसाला, डाला दही डालेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन फॉर एवरीवन। दोस्तों फन फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। मकदम है यूट्यूबर और आज आपको लेकर आए हैं इस्लामी मेहरुल होटल। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी वैरायटी है खाने की यहाँ पर। और मेरे साथ हैं इसके ओनर मेहरुल इस्लाम भाई, जिनसे अभी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्पेशल वैरायटी आप बना रहे हैं। मेहरुल भाई सबसे पहले तो बताइए कि आपने अपने नाम पे इस दुकान का नाम भी रखा, आपका नाम मेहरुल है और इस्लामी मेहरुल होटल नाम रखा है। कब से खोली हुई दुकान, कब से चला रहे हैं? तकरीबन 9-10 साल हो गया। 10 साल हो गए। मैं 11 या 12 में चालू करा था। 11-12 में चालू करा था। क्या रेस्पॉन्स है, कैसा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया रेस्पॉन्स है। क्या खास वैरायटी कुछ स्पेशल दे रहे हैं? यहाँ इतनी होटल हैं, रामगंज बाज़ार जयपुर का मशहूर है, काफ़ी बड़ी बड़ी होटल हैं, MM खान, गरीब नवाज और तमाम दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें। बाकी फिर आप क्या वैरायटियाँ स्पेशल दे रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो लोग आएँ कुछ यहाँ खा आकर यहाँ का ट्राई करें आपका खाना? अपना वैरायटी है मलाई टिक्का, मलाई रोस्टेड, अमूल बटर चिकन रोस्टेड, ये अपना वैरायटी फेमस है। और मटन में मटन नहारी। अच्छा, तो सब चीज़ अवेलेबल है अभी? सब चीज़ अवेलेबल है। टाइमिंग क्या है दुकान की आपकी, बताइए? टाइमिंग सुबह 8 से लेकर के रात के 11 बजे से। सुबह 8 बजे से चालू हो जाता है। सुबह नहारी मिलती है नाश्ते में? चिकन बिरयानी। सुबह चिकन बिरयानी मिलती है, नहारी मिलती है 11 बजे बाद नहारी मिलती है। उसके बाद लंच और डिनर दोनों चलते हैं। हाँ, लंच और डिनर। तो अभी आप हमें क्या खिलाने जा रहे हैं? आप भाई मलाई रोस्टेड खाओ, मटन नहारी खाओ, जो आपको पसंद आए। ठीक है, तो अभी हम कुछ और ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, उसके बाद अपने व्यूवर्स को बताएँगे कि खाना कैसा है, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है साहब, शुक्रिया बात करने का। बताओ भैया क्या है? चिकन स्टू। ये मटन चिली है, ये मटन कोरमा है, मटन नारी है। चिली भी रोज मिलती है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। यासिन भाई? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, आप क्या करते हो यहाँ पे? खिलाते हो खाना सबको? पकाते हो आप? वेरी गुड। तो आज खिलाओ, अपने हाथ का हुनर दिखाओ, मैं क्या क्या बनाया आपने, कैसा बनाया। और आप मटन नहारी तो आपके मटन नहारी तैयार होगा। नारी घी का तड़का लगा के ये दोस्तों ये मटन नहारी है, ये बटर चिकन है और ये मलाई टिक्का है। ये दोस्तों ये फ़िश आ गई, देखिए ये लाची फ़िश है, एक कांटे की होती है, बताया मेहरुल भाई ने। काफ़ी गर्म है, ये देखिए। फिश में सबसे बात ज़रूरी ये होती है कि उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर फ़िश में से स्मेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब फ़िश अच्छी से पकी हुई है। जैसा कि मैंने अभी खा के देखा, ये देखिए आप देख रहे हैं, जैसे फ़िश का टेस्ट सो है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बुरी है। अगर आप फ़िश खाने का शौक़ रखते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये आया हमारा, देखिए इनका एक रोल है, चिकन रोल है उन्होंने बताया, ये भी ट्राई करके आपको बता देते हैं। चिकन रोल इनका अच्छा है, ऊपर से जो इसका ये क्रस्ट, ये काफ़ी क्रस्ट है जो ये इन्होंने रोटी लगाई है उसकी लेयर, और चिकन अच्छे अंदर से पका हुआ अच्छा सा। चिकन रोल इनका अल्टीमेट बहुत बढ़िया है। ये आ गया इनका तंदूरी चिकन, ये चिकन रोस्टेड है। एक तो आप साइज़ देखिए इसका, काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये चटनी दी है इन्होंने हरी, ये दिखाओ बेटा करीब, ये देखिए आप, बिल्कुल टेंडर है, बिल्कुल अंदर तक सिका हुआ है, अच्छा पका हुआ है। मैरिनेशन इसका अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं। तंदूरी चिकन लाजवाब है, ना स्पाइसी है ज़्यादा, मैरिनेशन काफ़ी अच्छा है इसका और अच्छा पका हुआ है। एक चटनी के साथ भी खा के देख लेते हैं। अल्टीमेट तंदूरी चिकन इनका शानदार है। आप लोग जब यहाँ खाना खाने हैं तो तंदूरी चिकन इनका ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए भैया, ये मटन नहारी है, इसको थोड़ा सा ये घी का तड़का लगाया है इन्होंने ऊपर से खूब। और ये रोटी है इनकी, चपाती हाथ की रोटी है। देखिए सर, ये नहारी खा के आपको बताते हैं कैसी है। वाह 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 वाह, गोश्त बिल्कुल टेंडर है, काफ़ी अच्छा गला हुआ है। नहारी में सबसे ख़ास बात यही होती है कि गोश्त गला हुआ होना चाहिए। पहले निवाले में नहारी का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। नहारी नहारी जैसी है, जायका बहुत अच्छा है, गोश्त भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि गोश्त अच्छा है और नहारी बहुत बढ़िया है। एक निवाला भरपूर सा और लेके बता देता हूँ आपको। नहारी नंबर 1 अल्टीमेट। अब जल्दी से ये ट्राई करके बता देते हैं आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये है इनका मलाई टिक्का, ये देखिए, ये दिखाओ बेटा, काफ़ी ये भी अच्छा पका हुआ दिख रहा है, काफ़ी बटर डाला है इन्होंने, दिख रहा है जैसा कि बहुत बढ़िया। मलाई और बटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत रिच बनाया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया, मज़ा आ गया खा के। अब दोस्तों ये आपके सामने बटर चिकन है, ये भी ट्राई करके बता देते हैं आपको। सॉरी, मलाई रोस्टेड है। ये इन्होंने रोस्टेड को बटर और मलाई में पका के एक नई वैरायटी बना के दी है। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात है कि डिफरेंट है, जायका डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जनरल चीज़ें आप जो खा रहे हैं वही जायका है। मलाई रोस्टेड, इन्होंने रोस्टेड चिकन को अपनी ग्रेवी के साथ और मलाई और बटर के साथ इसको पकाया है। थोड़ा सा स्पाइसी है, ओवरऑल टेस्ट इज़ अल्टीमेट। खाना बहुत अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं और यहाँ का खाना खाइए और फिर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा खाना कैसा लगा। थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करते हैं क्योंकि ये खाना हम सबको खाना है। मेरे कैमरा में सामी भाई और शुएब भाई भी बैठे हैं, खाना खा लें, भूख लगी है सबको, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। सर बताइए, नाम बताइए अपना, क्या खा रहे हैं? ये बिरयानी। ये आप इस रेस्टोरेंट में पहली बार आए या पहले भी खा चुके हैं? पहले भी खा चुके हैं। कैसा होता है खाना? बढ़िया खाना। और इस बिरयानी के अलावा भी और कुछ खाते हैं? नारी खाइए, अच्छी होती है। आप अपना नाम बताइए सर। आप भी पहले भी खा चुके हैं यहाँ? कैसा है खाना यहाँ का? अच्छा है। नारी खाई आपने यहाँ की, और बिरयानी वो भी अच्छी है। थैंक यू। नाम बताओ अपना। मोहम्मद शब्बीर आलम। क्या खा रहे हो? चिकन कोरमा तंदूरी। कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। खाना पहले भी खा चुके हैं? बहुत, हाँ, सब खाना चाहता है। और भी वैरायटी ट्राई की आपने? ये तंदूरी, मटन नहारी, भेजा पाए, सब खाया। अच्छा होता है। और आप भाई साहब, अच्छा होता है खाना? क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। नफीस अहमद जी, आपने खाना खाया यहाँ का? बिल्कुल खाया। एक बार खाया, कई बार खाया? ये खाते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। कैसा होता है खाना? माशाल्लाह बढ़िया रहता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है यहाँ की? चंगेजी और रोस्टेड है। रोस्टेड सबसे अच्छा लगा। और मटन नहारी? मटन नहारी बढ़िया है। और मलाई तिक्का ही बढ़िया है। चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी बढ़िया। हमने भी इनकी काफ़ी चीज़ें ट्राई की, जो जो चीज़ें बता रहे हैं सब चीज़ ट्राई की है, सब चीज़ बहुत अच्छी है। और अपने व्यूवर्स का भी हमने रिव्यू दिया खाने का, और आपसे भी मालूम कि आप भी अच्छा बता रहे हैं। तो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया कहना चाहिए माशाल्लाह। उनको बुलाएं यहाँ खाने के लिए? बुलाइए, उनको दावत दी कि आप लोग आइए, खाना खाइए, अच्छा है खाना इंशाल्लाह। उनको कि नहीं, उनको बुलाइए कि आप लोग यहाँ आके खाना खाइए। उनको बुलाएंगे, यहाँ के खाना खाइए। ठीक है साहब, शुक्रिया आपका बात करने। इस्लामी मेहरुल होटल पे खाने का रिव्यू हमने आपको दे ही दिया। खाना बहुत अच्छा है, एक दो चीज़ों को छोड़ के, और काफ़ी वैरायटी खाने की। ये जयपुर के रामगंज बाज़ार में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फुटा कुर्रा इलाका कहलाता है। और ये मस्जिद है बड़ी रहमानी, उसके नीचे ये है। काफ़ी वैरायटी हमने यहाँ की ट्राई की। खाना सब बहुत अच्छा है। आप लोग आ सकते हैं और आके यहाँ का खाना ट्राई करिए। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते फिर अगले वीडियो में। मेरा वीडियो ये अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।